नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। मैं आचार्य पंकज शास्त्री आपका अपने चैनल में तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। उपस्थित हो कर्क राशि का मासिक राशिफल मार्च 2019 को लेकर के क्या खास रहने वाला है कर्क राशि के जातकों का, इस मार्च के माह में कैसा आपका स्वास्थ्य रहेगा, कार्य क्षेत्र में क्या सफलता मिलेगी और कैसी आपकी आय रहने वाली है, इस मार्च के माह में इस टॉपिक पे बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे कि ग्रह कब अपना राशि परिवर्तन करेंगे और सौर मंडल के इस राशि परिवर्तन से, इस गोचरीय व्यवस्था से आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या यह आपके जीवन में कितना पॉजिटिव और कितना नेगेटिव लाएगा, इस बात पर चर्चा करेंगे। तो राशि फल प्रारंभ करूं, उससे पूर्व मैं यह बता दूं कि यह राशि फल चंद्र राशि पर आधारित है, अर्थात इसको लग्न कुंडली से न जोड़ें। यदि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा चार अंक जहां पर लिखा है वहां विराजमान है तो आपकी कर्क राशि बनती है। सबसे पहले एक दृष्टि डालते हैं आपकी ग्रह गोचरीय व्यवस्था पर कि किस प्रकार से आपका गोचर चल रहा है। मंगल, क्योंकि कर्क राशि में और कर्क लग्न में दोनों में ही मंगल का यहाँ पर बहुत अच्छा मोमेंट है। मंगल कर्क राशि के जातकों के लिए सर्वाधिक योग कारक कहे जाते हैं, क्योंकि वह अकेला पंचम स्थान त्रिकोण और दशम स्थान केंद्र के मालिक होते हैं, तो जो कि बहुत योग कारक स्थिति होती है। तो मंगल जो कि दशम स्थान में रोचक योग बनाकर बैठे हैं कार्य क्षेत्र के लिए, दशम स्थान स्वराशि में, और यदि बुध की बात करें तो बुध यहां पर नीच राशिगत हैं, मीन राशि में है भाग्यस्थान में, वहीं सूर्य अपने पुत्र शनि की राशि कुंभ राशि में अष्टम स्थान में है। शनि छठे स्थान में धनु राशि के, शुक्र सप्तम स्थान मकर राशि में विराजमान है, वहीं देवगुरु बृहस्पति आपके पंचम स्थान में विराजमान है वृश्चिक राशि में, राहु आपके राशि में ही विराजमान है लग्नस्थ, और केतु शुक्र के साथ सप्तम स्थान में मकर राशि के विराजमान। चंद्रमा की बाद में करेंगे। सर्वप्रथम यह बता दूं कि 7 मार्च को इस सौर मंडल के दो तमोग्रही राहु और केतु अपने राशि परिवर्तन करेंगे, जो कि हमेशा उल्टी दिशा में घूमते हुए नजर आते हैं, दिखाई पड़ते हैं, इनकी गति वक्र होती है। तो वहीं राहु आपके जो अभी तक आपकी राशि में विराजमान थे पिछले 18 महीने से, अब मिथुन राशि में आपके राशि से 12वें जो व्यय स्थान है वहां पर विराजमान हो जाएंगे, और केतु मकर राशि को छोड़ करके धनु राशि में आकर के शनि के साथ छठे घर में विराजमान होंगे। वहीं 14 तारीख को मार्च 14 को सूर्य अपने राशि परिवर्तन करेंगे और वह मीन राशि में चले जाएंगे। 22 मार्च को मंगल राशि परिवर्तन करेंगे और वह आपके आय स्थान में चले जाएंगे। ये तो एक दृष्टि बनती है। अब यदि बात करें आपके स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य के प्रति आप बेहद गंभीर रहे। आपका स्वास्थ्य के प्रति जो ग्रहों की गोचरीय व्यवस्था है यह कुछ ठीक नहीं लगती है। शनि छठे स्थान में है जो कि दुख का ही घर होता है, और धीरे धीरे से करके फिर बहुत बड़ा दुख यहाँ पर आपको मिल सकता है, इस मोमेंट का आप ध्यान रखें। वहीं अगर
सूर्य की बात करें तो सूर्य अष्टम स्थान में है। यद्यपि सूर्य अष्टम स्थान जो कि मारक स्थान कहा जाता है, यहाँ पर मार्केश नहीं होते, लेकिन मृत्यु तुल्य कष्ट भी आपको प्रदान कर सकते हैं। तो यह स्थिति 14 तारीख तक आपके साथ बनी रहेगी। आपको पेट संबंधित दिक्कतें हो सकती हैं, आधे सर में दर्द, सर में खुजली, आंखों से आंसू आना, आंख की प्रॉब्लम हो सकती है। तो मौसमी बीमारियां भी आपको इस पीरियड में हो सकती हैं। तो यहाँ पर आपको सचेत रहना होगा, सतर्कता बरतनी होगी। यदि आपके कर्म क्षेत्र की बात करें, कार्य क्षेत्र आपके लिए इस समय सबसे बेस्ट कर्म क्षेत्र रहेगा। जो जातक गवर्नमेंट सेक्टर की तैयारियां कर रहे हैं, जॉब की तैयारियां कर रहे हैं, जॉब में इन्वॉल्व होना चाहते हैं, उनके लिए यह स्वर्णिम अवसर है, क्योंकि मंगल दशम स्थान में विशेषतः दिग्बल प्राप्त करते हैं और आपकी राशि से आपकी जन्म कुंडली में यह सबसे अधिक पावर वाले ग्रह भी होते हैं। पूरे पावरफुल ग्रह आपके कर्म क्षेत्र में हैं, कार्य क्षेत्र में व्यस्तताएं बनी रहेंगी। आप बहुत समय से बहुत मेहनत करके कार्य कर रहे थे, आपका प्रमोशन नहीं हो रहा था, तो इस अवधि में आपका प्रमोशन भी हो सकता है। तो यह एक बहुत अच्छा पॉजिटिव योग आपके लिए कार्य क्षेत्र के लिए बना। जिन लोगों का बिजनेस नहीं चल रहा था, उनका बिजनेस जरूर चलेगा और वो एक नई तरक्की को प्राप्त होंगे। अब यही बात करें आपकी आय की, तो आय के स्वामी शुक्र बनते हैं जो कि सप्तम स्थान में, 22 मार्च को वही मंगल चले जाएंगे और आय से आपको आय संबंधित कोई भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि आय के साधन आपके बनते रहेंगे, आपको आय मिलने वाले हैं, चौतरफा आप लाभ पाने वाले हैं। इस समय यदि आप बड़े इन्वेस्ट के करने की सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। हालांकि इन्वेस्ट अपने विवेक से करें, लेकिन यह स्थिति आपके पक्ष में यहाँ पर नजर आती दिखाई दे रही है। यदि कर्क राशि के जातक अत्यधिक परेशान हैं, तो मार्च माह के प्रारंभ में 4 तारीख को महाशिवरात्रि का व्रत आ रहा है। इस दिन भगवान शंकर का पूजन किया जाता है। तो मेरी पर्सनली कर्क राशि के जातकों के साथ एक यह कि आप सदा खुश रहें और सदा खुश रहने के लिए भगवान शिव जी का आंवले की स्वरस से, पंचामृत और अनेक द्रव्यों से अभिषेक अवश्य करें, आपके लिए यह फायदेमंद रहेगा। यदि बात वही चंद्रमा की करें, तो चंद्रमा आपके राशि के स्वामी हैं, इसी के कारण आपके अंदर अस्थिरता, आप स्थिर नहीं रह सकते, अस्थिरता है आपके अंदर, बहुत ज़्यादा संवेदना है, संवेदनशील व्यक्ति हैं, और यह स्थिति इसी के कारण है क्योंकि आपका राशि स्वामी चंद्रमा बनता है। चंद्रमा 2 से 2.25 दिन के भीतर अपनी राशि परिवर्तन करते हैं। जब चंद्रमा शुभ ग्रहों के साथ जाते हैं, जैसे गुरु के साथ चले गए, शुक्र के साथ चलते हैं, बुध के साथ चलते हैं, तो यह स्थिति बहुत पॉजिटिव स्थिति होती है। लेकिन जब यही चंद्रमा राहु, केतु, शनि और अन्य क्रूर ग्रहों के साथ जाते हैं, तो वह स्थिति आपके पक्ष में नहीं होती है। और इसीलिए हम सबके जीवन में एक माह के 6-7 दिन ऐसे होते हैं जब हमें मानसिक तनाव, थकावट और अनेक चिंताएं परेशान करती हैं, हम अनेक चिंताओं से ग्रसित होते हैं। तो मैं आपको बताने वाला हूं वो तारीखें, जिन तारीखों में आप अपनों का तथा अपने आप का ख्याल रख सकें। तारीख 5, 6, 16, 17 आपके लिए बहुत भाग्यशाली रहने वाले हैं। वहीं तारीख 10, 12 और 26 और 27, इन तारीखों में आपको संभल कर चलना होगा। आपका यह माह शुभ हो, ये हमारी मंगल कामनाएं। नमस्कार।